हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के बारे में। ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होता है और इसको AWS में कैसे हम यूज करते हैं। ऑटो स्केलिंग के बारे में सबसे पहले जानने के लिए हम चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर। हम यहाँ पर अपने AWS के कंसोल को लॉग इन कर लेते हैं। AWS कंसोल लॉग इन एंड यहां पर साइन इन टू द कंसोल। ओके, सो हम अपने AWS के कंसोल पर आ गए हैं। यहां पर हम अपने कंसोल पर चल ओके तो यहां पर सबसे पहले हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। AWS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है। ओके, सो हम यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं और जानते हैं कि ऑटो स्केलिंग क्या है। ओके, तो ऑटो स्केलिंग डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर जस्ट हम इसको PDF फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर ऑटो स्केलिंग एक्चुअल में है क्या है, किस लिए ऑटो स्केलिंग यूज किया जाता है इन अमेजन EC2 ऑटो स्केलिंग। ओके, तो इसको जस्ट हम ड्रॉप डाउन करते हैं। ओके, एंड यहां पर आप ओके सो अमेजन EC2 ऑटो स्केलिंग हेल्प्स यू इंश्योर दैट यू हैव द करेक्ट नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस अवेलेबल टू हैंडल द लोड फॉर योर एप्लीकेशन। यू क्रिएट कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस कॉल्ड इट ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। मींस कि आप AWS में EC2 इंस्टेंस का कलेक्शन या क्रिएट कर सकते हैं वाया द EC2 ऑटो स्केलिंग। लेकिन यह हमारा ऑटो स्केलिंग एक्चुअल में है क्या, जब भी हमारा कोई एप्लीकेशन किसी EC2 इंस्टेंस पर चल रहा है और यदि उस EC2 इंस्टेंस पर लोड यदि ज्यादा हो जाएगा तो उसको हैंडल करने के लिए ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली और EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। ओके, सो आइए चलते हैं हम अपनी कंसोल पर। ओके, यहाँ पर ऑटो स्केलिंग सबसे पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना होगा और टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें टेम्पलेट बनाने के लिए एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। आइए हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। सो फॉर द सिंप्लिसिटी के लिए हम एक वेब सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हम इसको नेम दे देते हैं सर्वर। ओके, यहाँ पर हम विंडोज का सर्वर ले लेते हैं एंड ओके यहाँ पर हमने कीपेयर, हमारे पास ओल्ड वाला है वही हम रखते हैं कीपेयर को। इसके बाद नेटवर्क सेटिंग में आप चाहें तो यहाँ पे सबनेट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पर हमने 1A कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं और ड्रॉप डाउन कीजिए आप यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, चाहें तो आप ओल्ड आपने कोई बनाया हो वह ले सकते हैं। ओके, सो हमारे एनवायरमेंट पे ऑलरेडी सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप है। ओके, लॉन्च इंस्टेंस। अब हम इस इंस्टेंस से एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और उस टेम्पलेट से हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे। ओके, सो आइए चलते हैं। व्यू ऑल इंस्टेंसेस पर क्लिक कीजिए आप। ओके, एंड जो हमारा इंस्टेंस है अभी पेंडिंग स्टेट में है। जैसे ही यह रनिंग स्टेट में आ जाएगा हम इसके एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। ओके, तो जस्ट हम इसको रिफ्रेश करते हैं। पेंडिंग, अभी पेंडिंग शो हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप जस्ट इसको इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर हम आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा इमेज एंड टेम्पलेट, इस पर क्लिक कीजिए। एक्शन में जाकर आप यहाँ पर इमेज एंड टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए, क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टेंस। और यहाँ पर यह आप अपने टेम्पलेट को जो भी नेम देना चाहते हैं, जैसे हम अपने टेम्पलेट को नेम देना चाहते हैं, ये हम टेम्पलेट किस लिए बना रहे हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए, तो हम इसको नेम देते हैं ASG टेम्पलेट।
एंड इसको आप कोई वर्जन देना चाहते हैं, जैसे हमने इसको वर्जन दे दिया है, हमारा वर्जन है 1.1.0। एंड इसके बाद आप ओके विंडोज, ओके टी टू माइक्रो, ओके, और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पर क्लिक करना है। ओके सो यहाँ पर हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो गया है, और अब हम चलते हैं अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर, और यहाँ पर हमें क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर क्लिक कीजिए, और इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को आप जो भी नेम देना चाहते हैं, जैसे हमने इसको नेम दिया MyASG। एंड यहाँ पर हम जो हमने टेम्पलेट अभी क्रिएट की हुई है उसे आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेस करते हैं, और इस टेम्पलेट को आप यहाँ पर ASG टेम्पलेट, ओके। एंड यहाँ पर हम जस्ट नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी जोन एंड सबनेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हुए, तो हमने यहाँ पर तीनों सबनेट, यहाँ पर मुंबई रीजन में तीनों सबनेट हैं हमारे, उनको सेलेक्ट कर लिया। एंड जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए आप, ओके। सो अभी हमारे एनवायरनमेंट में नो, एक्चुअली अभी हमने कोई भी लोड बैलेंसर नहीं बनाया है, और हम ये लैब विदाउट लोड बैलेंसर के करना चाहते हैं, तो नो लोड बैलेंसर पर हमने बाय डिफॉल्ट और यहाँ पर टिक है, ओके। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, हेल्थ चेक दिस पीरियड। अब ये हेल्थ चेक पीरियड क्या है कि दिस टाइम पीरियड डिले द फर्स्ट हेल्थ चेक अंटिल योर इंस्टेंस फिनिश इनिशियलाइजेशन, इट डजंट प्रिवेंट एन इंस्टेंस फ्रॉम टर्मिनेटिंग, और ओके। सो हम जो हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड है इसको 300 सेकंड ही रखते हैं, ओके। इसके बाद यहां पर इनेबल डिफॉल्ट इंस्टेंस वार्म अप, ओके। इंस्टेंस का वार्म अप पीरियड हम रखते हैं 200 सेकेंड, यानी कि 200 सेकेंड के बाद ही जो पिंग रिक्वेस्ट, पिंग मतलब कि हेल्थ चेक करने के लिए है, रिक्वेस्ट भेजेगा, ओके। जैसे ही हमारा कोई नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो EC2 इंस्टेंस के क्रिएट होने के 2 सेकेंड के बाद ही है ICMP पिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, ओके। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। डिजायर्ड कैपेसिटी हम यहाँ पर 2 रखते हैं, ओके। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर जो मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी 1 भी रख सकते हैं हम, इक्वल और लेस देन डिजायर्ड कैपेसिटी। आप इसको जो मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी को मिनिमम कैपेसिटी को आप या तो आप जो आपकी डिजायर्ड कैपेसिटी है उसके इक्वल रख सकते हैं, उससे कम रख सकते हैं, ओके। और मैक्सिमम को हम यहाँ पर 3 कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी आप लगा दीजिए, हमें टेस्टिंग करना है, तो आप चाहे तो यहाँ पर ओके सीपीयू यूटिलाइजेशन हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। यदि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन 60% से ज्यादा हो जाए तो आप एक इंस्टांस क्रिएट कर दीजिए, ओके। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्रिएट क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पर जस्ट हमें यहाँ पर क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर। तो अभी हमने यहाँ पर कोई इंस्टेंस, ओके, तो हमने ओनली एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो हमारा जो अभी यह EC2 इंस्टेंस बना हुआ है इसका हमें कोई रिक्वायरमेंट या जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक टेम्पलेट बनाया था, और उस टेम्पलेट से हमने जो सर्वर वगैरह जो हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ऑलरेडी बना लिया है, तो हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के पास, ओके। सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर आते हैं हम, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टांस मैनेजमेंट में आइए आप, और यहाँ पर 2 EC2 इंस्टांस क्रिएट हो रहे हैं, ओके। सो 2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हमने जो मिनिमम मिनिमम कैपेसिटी ली हुई है, मिनिमम हमने ली हुई है वह 1 है, और डिजायर 2 है, ओके। तो हम यहाँ पर है हमारे 2 सर्वर क्रिएट हो रहे हैं। यदि हम चेक करना चाहते हैं कि यह है हमारा जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है, तो ओके, यह हमारे 2 सर्वर हैं, सर्वर, ओके। सो
सो यदि हम इसकी टेस्टिंग करना चाहते हो तो हम इन दोनों सर्वर को इन दोनों सर्वर को पहले इनका नेम चेंज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सर्वर वन हमने इसको नेम दे दिया और इसको हमने नेम दे देते हैं सर्वर टू। अब हम जस्ट इनको क्या करते हैं, दोनों सर्वर को टर्मिनेट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं। क्या ऑटो स्केलिंग ग्रुप वर्क कर रहा है? जैसे ही हम इन दोनों सर्वर को टर्मिनेट करेंगे तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑटोमेटिकली 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 यह सर्वर क्रिएट कर देगा। कितने सर्वर क्रिएट करेगा? जितनी मिनिमम हमने कैपेसिटी दी हुई थी। यहाँ पर हम जस्ट इनको टर्मिनेट करते हैं। तो ये हमारे टर्मिनेट हो रहे हैं, सर्वर टर्मिनेट हो रहे हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर चलते हैं हम और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं यार कैपेसिटी 2 है और मिनिमम कैपेसिटी कितनी है 1, मतलब कि हमारा एक सर्वर तो रह ही रहेगा। सो यहाँ पर यह ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पर एक सर्वर, जैसे ही इसको पता चलेगा कि हमने दोनों सर्वर डिलीट कर टर्मिनेट कर दिए हैं, यह एक सर्वर बनाने लग जाएगा। ओके, पर इंस्टेंस पर चलते हैं। ओके, सट डाउन टर्मिनेटेड, थोड़ा ये टाइम लेगा और यहाँ पर जस्ट इसको रिफ्रेश करते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रांस मैनेजमेंट पर चलते हैं। आप अगेन यहाँ पर आइए और अरे ओके ओके पॉलिश डेट अभी सारे टर्मिनेटेड हैं। यह थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पर यह ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक सर्वर। सर्वर वन एंड सर्वर टू, सर्वर एंड वेब सर्वर। ओके, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर चलते हैं। इसको हम इंस्टेंसेस को रिफ्रेश करें है ना, यहाँ पे इंस्टेंस रिफ्रेश। ओके, हमने यहाँ पर किया है रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पर एक सर्वर यहाँ पे पेंडिंग स्टेट में शो हो रहा है, मतलब कि AWS में ऑटोमेटिकली वाया द ऑटो स्केलिंग के द्वारा इसने जैसे ही देखा कि हमने अपने दोनों सर्वर डिलीट कर दिए हैं तो इसने एक नया सर्वर क्रिएट करना किया। नया सर्वर स्टार्ट कर दिया इसने बनाना। सो यहाँ पर नाउ शोइंग। सो अपन यहाँ हम यहाँ पर आकर रनिंग। तो यहाँ पर है इसने एक सर्वर बनाना स्टार्ट कर दिया। सो दोस्तों इस प्रकार हम AWS में ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने जितनी हमारी एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो हमारा हमारा इंस्टांस है उसको ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं। जितने भी हमें इंस्टांस की जरूरत हो AWS ऑटोमेटिकली उसने उतने इंस्टांस बना देगा बाय द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।